उज्जैन शहर में एक ही दिन में 4 लोगों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 4 लोगों ने खुदकुशी की, वैसे ही परिवार के सदस्यों में शोक की लहर छा गई। पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। मृतक महिला पुरुषों के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पहली घटना नागजीरी थाना क्षेत्र के गोयला खुर्द के समीप रहने वाली ममता पति जितेंद्र सोलंकी ने फांसी लगाकर जान दे दी। जैसे ही पति घर पर पहुंचा, पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। दूसरी घटना उज्जैन के आगर रोड पर मोहन नगर निवासी दिलीप जायसवाल उम्र 50 वर्ष ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। चिमनगंज पुलिस पहुंची और मृतक युवक के शव को हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं तीसरी घटना उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित मुल्लापुरा में रहने वाले अनिल बैरागी उम्र 32 वर्ष ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं चौथी घटना उज्जैन के मिर्ची नाला निवासी रूपेश लाहौरी उम्र करीब 40 साल ने अपने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। खराकुआ पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। उज्जैन के सरकारी अस्पताल में एक साथ 4 मृतक शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जहां बड़ी संख्या में परिजन मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।